देखिए, ये रहा पहला सवाल। इट इज़ डार्क, यू हैव 10 ग्रे सॉक्स एंड 10 ब्लू सॉक्स, यू वॉन्ट टू पुट इन टू पेयर्स। ऑल सॉक्स आर एग्जैक्टली सेम, सारे के सारे सॉक्स जो हैं, 10 सॉक्स उनमें से आपके ग्रे हैं और 10 ब्लू हैं, ठीक है, और सारे के सारे सेम हैं एक्सेप्ट देर कलर कलर को छोड़ करके। तो हमें कितने मिनिमम सॉक्स उठाने होंगे ताकि एक पेयर हमारा कंप्लीट हो सके? तो जो कि 2 कलर हैं तो 3 मिनिमम उन्हें उठाने पड़ेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 1 to 1, 121 से हमने किसी नंबर को डिवाइड करना है। सपोज वो नंबर एक्स है, 1 to 1 से हमने डिवाइड किया, स्टिल हमारे पास क्या जा रहा है, 37। उस नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये बच रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, होल्ड ऑन, एक्स अपॉन 1 to 1 प्लस 37। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर 11 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो 1 to 1 से डिवाइड हो रहा है तब 37 बच रहा है ना। सीधे हम 37 को अगर डिवाइड कर दें 11 से, तो रिमाइंडर यहाँ देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 3 होल 4 रिमाइंडर, और नीचे कितना आएगा, 11, तो रिमाइंडर आएगा 4। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कुड कैन नॉट बी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अनवसानी, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, यह है सवाल नंबर 4 और ये लेटर जीवन का सवाल है। इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स जब 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेडर डिवीजन के इस सवाल को सबसे नीचे शुरू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x नीचे ही रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा। तो अगली बार ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे 1 के साथ, 2 माइनस x, ठीक है। अब अगली बार इस वाले 2 को लेकर के भी हम शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, और नीचे क्या आ गया हमारा, ये 3 माइनस 2x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आगे जाके क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4, नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, 4 माइनस 3x अपॉन, होल्ड ऑन, इसको सब बढ़ा देते हैं, 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x ये मिल जाएगा हमें, लेकिन ये भी फिर से पलट जाएगा, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा अल्टीमेटली, 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x के। अब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिलेगा 6x, ये 6x, और उससे पहले 3x स्क्वायर और -6x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, होल्ड ऑन, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x² - 2x + 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअली है क्या, ये x - 1 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू हम कर देंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। तो आंसर देखिए कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, सी इज़ राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तो जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन x, ठीक है। वैसे ही हम मानेंगे कि बी की पावर वाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के की पावर 1 अपॉन y, और ऐसे ही सी के लिए मिल जाएगा सी इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन z। अब चलते हैं इसके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तो एक स्क्वायर के बदले हम क्या रखेंगे, सबको हटा देते हैं, आप नोट कर लेना प्लीज़। चलिए ए स्क्वायर के बदले क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि के की पावर 1 अपॉन x² इज इक्वल टू बी के लिए हमने क्या रखा था, के की पावर 1 अपॉन y इंटू जेड के, सॉरी सी के लिए रखा था सी इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन z। अब देखिए यहाँ पे भी पावर, सॉरी बेस के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन
एक्स इसका था टू, तो टू अपॉन एक्स लिख देंगे इसको, जस्ट अ मोमेंट, इसको हमने लिख दिया टू अपॉन एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड। अब ये इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा ए, पहला ऑप्शन इज सही करेक्ट। छह नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, हिंदी में पढ़े इंग्लिश में, चलिए हिंदी में पढ़ देते हैं। वही था कि पोती की आयु लगभग उतने ही दिन है जितनी सप्ताह उसके पुत्र की आयु है, तथा उसकी पोती उतनी ही मास आयु की है जितनी वहीदा की आयु वर्षों में, वहीदा उसके पुत्र पोती की आयु का योग है 120 साल, तो वहीदा की आयु कितने साल है। फिर इसको पेपर पर लेकर के आपको समझा देते हैं सही से। सवाल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि वहीदा की एक पोती है और एक बेटा है, और उसकी अपनी एज है, इन तीनों का एडिशन अगर हम कर दें तो 120 ईयर्स हो जाएगा, जबकि रेशियो अलग अलग हैं। तो उससे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी डॉटर की एज एक्स डेज है और उसके बेटे की जो एज है वो एक्स वीक है। अगर उसको एक्स डेज कहेंगे तो एक्स वीक उसके बेटे की एज हो जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे ये हमने लिख लिया है, तो अब ये एक्स वीक है, तो एक्स वीक को अगर हम डेज में बदलें तो कितना हो जाएगा, 7x डेज। और यहाँ पे इसकी पोती की जो एज थी वो भी एक्स डेज मिली है हमने। तो अगर इन दोनों का रेशियो हम लेना चाहें, इनको इसको हम कह देते हैं ए, और बाद वाली यानी कि इसके बेटे की एज को हमने कह दिया बी। तो ए इज टू बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स और 7x, एक्स और 7x, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1:7 का रेशियो है यहाँ पे ए और बी में, जबकि ए किसकी एज है, डॉटर की, सॉरी ग्रैंडडॉटर की, और ये किसकी एज है, बी भी है सन की एज। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं पोती की एज और वहीदा की एज। पोती की एज हम फिर से मान लेते हैं सपोज वाई, ठीक है, पोती की एज वाई और लिख लेते हैं इसका, उसकी डॉटर की एज हमने मानी है वाई मंथ, और वहीदा बची अब, तो वहीदा डॉटर, वहीदा एज हो जाएगी वाई ईयर्स, इजेंट इट, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इसको हम वाई ईयर्स को मंथ में बदलेंगे तो 12 वाई मंथ्स, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम रेशियो लेना चाहें तो ये हो जाएगा y:12y। अब हम फिर से इसको a मान लेते हैं, और वहीदा की एज पहली बार देख रहे हैं तो इसको मान लेते हैं a:c:this, और इसको हम आगे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो y यहाँ से हम हटा सकते हैं, और 1:12 हो जाएगा a:c, क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब a:c:this, तो सी ए कितना हो जाएगा, 12:1, क्लियर। अब पहले हमें मिला था a:b जो कि कितना था, 1:7, और इस बार मिला है हमें ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी यहाँ से लिख लेते हैं, इंटू c/a, c/a, a:b था 1/7, इंटू c/a:12/1, यानी कि यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, सी भी बच जाएगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि सी भी इज इक्वल टू 12/7, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी भी मिल चुका है, इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से c:b इज इक्वल टू 12:7, या b:c पलट जाएगा फिर से 7:12, क्लियर। अब ए सी भी, सॉरी बी सी भी हमें मिल चुका है, और ए सी तो हमारे पास ऑलरेडी था, आपको याद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a:b:c निकालना चाहते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक फिर से हम इस्तेमाल करते हैं, और इस ट्रिक की मार्फत आप फटाफट इस तरह के सवालों को कर सकते हैं, लेकिन अभी डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल में अगर आपको इस ट्रिक पर प्रैक्टिस करनी है तो आप लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना 4-5 सवालों की, उसके बाद अगली बार जबानी सवाल आप इस तरह के कर सकते हैं, गारंटेड। a:b क्या दिया था हमें, क्या था हमारे पास, 1:7 था, तो 1:7 हम यहाँ लिख देते हैं। b:c अभी अभी हमें मिला है 7:12, तो यहाँ लिख दिया दूसरी लाइन में 7:12। अब हमारे पास गैप बचा है यहाँ से एक के नीचे और यहाँ एक के नीचे, ठीक है। अब इस गैप को फिल करना है और आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे हम 7 भरेंगे, यहाँ पे भी हम 7 भरेंगे। क्यों भरेंगे ये आप ट्रिक में देख लेना, बहुत सी और ट्रिक्स मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर का PDF वगैरह चाहिए तो वो लिंक्स वगैरह भी हम साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आपने तैयारी करनी है आकर के, तो वहाँ पर भी नॉमिनल सी फी में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये फी हमारी वहाँ पर लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मिल जाएगा, इस चीज़ को करेंगे 49 मिलेगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, a:b:c इज इक्वल टू 7, 49, 84। ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, 7 यहाँ पे कॉमन है तीनों में, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1:7:12, ठीक है। ये ABC की
इनका नया रेशियो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे वैल्यू हमें निकालनी है, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 1:1 + 7 + 12 दैट इज इक्वल टू 12 20 सॉरी, और उसको हम एक्स माने तो एक्स इज इक्वल टू 120। तीनों का एडिशन क्या दिया था 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हम कह सकते हैं कि वहीदा की एज का रेशियो क्या था, ये 12, तो 12 × 6 यानी कि 72 ईयर्स वहीदा की एज हो गई। और वहीदा की एज ने पूछी है, आप से रिक्वेस्ट है कि बाकी दोनों की एज भी आप इसी ढंग से निकालने की कोशिश करें, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। उस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 7, ठीक है, इसे पेपर पर ले लेते हैं और आपको बता देते हैं। देखिए 2x + y इज इक्वल टू और लेस देन 6 ये हमें दिया है, जबकि ये भी दिया है साथ साथ कि x इज लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू सॉरी 6 और यहाँ से आएगा -2x, लेकिन x तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये माइनस का होगा। तो हम कह सकते हैं y 6 और ये माइनस के बदले हो जाएगा +2x। अब अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इधर लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। बट हमें पता है कि x की वैल्यू तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू y इज मोर देन 6। जो y इज मोर देन 6 तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टैक्सी ड्राइवर चार्ज कर रहा है 10 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर फ्लैट रेट इन एडिशन टू 20, 20 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन इसके अलावा 10 रुपये 50 पैसे हर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। ओके, अजय हैज़ नो मोर देन 220 रुपीज़, 220 रुपये उसके पास हैं, तो ऑब्वियसली 20 रुपये का तो मतलब ही नहीं, ऑलरेडी लेगा ही लेगा। अब उसके बाद बचते हैं कितने, 200 रुपीज़, ठीक है। तो वो कितनी दूर तक जा सकता है, ठीक है, तो इसे हम बदल लेते हैं, 21/2 हो जाएगा ये, 21/2 21/2, और आगे इसको बढ़ाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होने वाला है, तो हो जाएगा ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा 21 नीचे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लेस देन 20 किलोमीटर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, जस्ट इन केस किसी को हिंदी में देखना है तो सवाल यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं। बहरहाल हमारे किसी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है सच। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलीनोमियल, ये हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ, व्हेन द सम ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़ इज 0, जब इसके 2 ज़ीरोज़ का जो सम है वो है 0। अब आप इसके ज़ीरोज़ देखिए कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा। तो सपोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक, ये हमें दिया है कितना 0, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी ले करके बता देते हैं आपको। पॉलीनोमियल दिया है x^3 - px² + qx - r = 0, और आइडियल से इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है ax³ - bx² + cx - d = 0, ठीक है। आप इससे आप कंपेयर कर लीजिए तो b = p और यहाँ पे आप देखेंगे c = q एंड r = d, ठीक है। अब इसके ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है क्या, पी, और दूसरा अगर दो दो साथ साथ लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, और तीसरा होता है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू आर। तो ये पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, और ये आपकी हो गई तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब पहली इक्वेशन को आप देखें तो इसने हमें कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है गामा इज इक्वल टू पी, ठीक है, बी या पी, लेकिन हमें पी दिया है तो हम पी ही लेके चलेंगे, क्लियर। अब इसको आप यहाँ पे अगर रख दें, हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है उसमें देखिए आप क्या दिया है, ये हमें दिया है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, ये दूसरी इक्वेशन है। बट इसको आप देखिए यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकें यहाँ से तो गामा कॉमन लेना पड़ेगा हमें, अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ पे गामा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें यहाँ पे मिल गया है इज इक्वल टू क्यू, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये है हमारे पास 0, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो अल्फ़ा बीटा
इज इक्वल टू क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो ये भी मिल चुका है हमें ऑलरेडी, गामा की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब देखिए हमें तीसरी इक्वेशन जो दी है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है आर, ओके ये तीसरी तीसरे नंबर की इक्वेशन है। ओके अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि गामा इज इक्वल टू पी हमें मिल चुका है, तो अल्फा बीटा इंटू पी इज इक्वल टू आर, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें क्यू। तो हम कह सकते हैं क्यू इंटू पी इज इक्वल टू आर, यही हमसे पूछा गया। कहाँ पर दिया हमें ये पी क्यू इज इक्वल टू आर, हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है चलिए वो देखते हैं। ये दिया है हमें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 10 नंबर सवाल भी वैसा ही है जैसे 9 नंबर का था। तो यहाँ पे जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो है 2, यानी कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि आइडियल इक्वेशन जो हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बिल्कुल टू 0, और इसके जो मोल होंगे जो 0 होंगे वो क्या होंगे अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया कि अल्फा बीटा इज कर लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होती क्या है, आइडियली सी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे आप देखिए सी और इसको कंपेयर करिए तो क्या है सी इज इक्वल टू 6a है, और ए क्या है यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी का मतलब यहाँ हो गया 6a, और अपॉन क्या है अपॉन है ए स्क्वायर प्लस 9। क्लियर इज इक्वल टू क्या 1। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और कुछ आपने करना नहीं है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें आगे जाकर के इक्वेशन मिल जाएगी, और इस इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम कह सकते हैं इक्वेशन हमें लिखी कुछ ये ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज करो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा।